साउथ अमेरिका में खराब मौसम के चलते सोयाबीन की फसलों को नुकसान की आशंका बताई जा रही है। ब्राजील और अर्जेंटीना में मौसम इस बार सोयाबीन के अनुकूल बिल्कुल भी नहीं देखने को मिल रहा है। वहां पर सूखे की स्थिति ज्यादा देखने को मिल रही है, जिससे सोयाबीन के उत्पादन पर असर पड़ सकता है। इसी के चलते सोया खली की कीमतों में तेजी देखने को मिली है। विदेशों में सोया खली की डिमांड भी बढ़ी है और कीमतें भी। ब्राजील और अर्जेंटीना में सोयाबीन के पहले से कम उत्पादन की आशंका के बीच सोया खली की कीमतों को सपोर्ट मिलता दिखाई दिया है, जिसका असर भारतीय बाजार पर भी देखने को मिल सकता है। सोया खली के साथ साथ विदेशों में सोयाबीन की कीमतों में तेजी भी निरंतर बनी हुई है। जानकारों के अनुसार सोयाबीन और मक्का उत्पादकों को आने वाले दशक में बायोफ्यूल सेक्टर से डिमांड में तेजी देखने को मिल सकती है। इथेनॉल के उत्पादन में भविष्य में और तेजी देखने की आशंका है। ब्यूरो रिपोर्ट, मार्केट टाइम्स टीवी। फिर से आ गया है कोरोना, घर पर रहने में ही है सबकी भलाई। अब आपको मेडिकल स्टोर पर लंबी लाइन में नहीं लगना, बिग ब्लिस लेकर आएगा 10 मिनट में आपके घर पर दवाई। बिग ब्लिस, खुशियों की अपनी दुकान।